हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनके लिए है। जी हाँ दोस्तों, COVID-19 के कारण जो उनका महंगाई भत्ता रोक दिया गया था, उसको लेकर ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है, जिससे हमारे 52 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उनके लिए बहुत ही जो खबर है बहुत ही बड़ी खबर है। दोस्तों, किस कारण से जो उनका महंगाई भत्ता ऐलान नहीं हुआ था, आप सब जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण जो पिछले साल यानी कि जो 2020 में उनका डीए है वो रोक दिया गया था और ना ही पेंशन बढ़ोतरी हुई। तो दोस्तों, इसको लेकर सरकार ने क्या कुछ कहा है, उस पर हम आपको डिटेल से बताते हैं। तो जुटे रहिए हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर से संबंधित न्यूज आती है, उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा और हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि जो डी है यानी कि आपका जो महंगाई भत्ता है, वो केंद्रीय कर्मचारी को जो इंतज़ार है वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। 1.5 साल से उनका डी फ्रिज है, जब भी यह रोक हटेगी तब केंद्रीय कर्मचारी को महंगाई भत्ता जो डीएनएस अलाउंस की जो एक साथ 3 किस्तें रिलीज होगी। दोस्तों, महंगाई भत्ते का जो केंद्रीय कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उस जो भी ये रोक हटेगी तब केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता जो किस्ते हैं वो मिलेगी और उनकी सैलरी में बहुत ही ज़बरदस्त उछाल आएगा। दोस्तों, COVID-19 के चलते हुए जो मोदी सरकार ने उनका जो डीए है कर्मचारियों का, उसे फ्रीज कर दिया गया था और सरकार इसे रिलीज करने वाली थी, लेकिन अब दोबारा फिर जो कोरोना की दूसरी लहर आने से इसके ऐलान में देरी हो सकती है। कर्मचारी संगठनों का दोस्तों कहना है कि डीए जो है इस महीने नहीं होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री से बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि अब सरकार जून में इसका ऐलान करेगी। दोस्तों, जो डी है वो आपका कितने प्रतिशत बढ़ोतरी होगी, सरकार ने क्या कुछ कहा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जेसीएम के जो नेशनल काउंसलिंग स्टाफ साइड के सचिव, एआईआरएफ के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक, संगठन लगातार पर्सनल डिपार्टमेंट के संपर्क में है। COVID-19 के कारण सरकार की पूरी जो योजना है वो बदल गई है, इसलिए सभी मामलों को जून तक के लिए जो ट्रांसफ़र कर दिया गया है और डी में बढ़ोतरी का ऐलान अब अप्रैल मई में होना था, लेकिन अब टालकर जून कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई से जो आपका डी है वो मिलेगा। हम आपको बता दें कि जो राज्य मंत्री हैं हमारे अनुराग ठाकुर ने संसद में कहा था कि 1 जुलाई 2021 से जो डीए में बढ़ोतरी होगी। जी हाँ दोस्तों, इसका ऐलान बाद जो किया गया था कि उत्तर प्रदेश के राज्य जो कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री आर के निगम के मुताबिक दोस्तों जुलाई में जो डीए है वो बढ़ना था। तो दोस्तों, लेकिन अब कर्मचारी को 1.5 साल का जो एरियर है वो देना अभी बाकी है। जी हाँ दोस्तों, उसकी डिमांड की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है कि सैलरी और अलाउंस का जो इंटरलिमेंट है उसे रोका नहीं जा सकता, इसलिए सरकार का जो एरियर है वो भी देना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं, जो आपका डीए है वो 17% की दर से आपको मिल रहा है, 2019 में बढ़कर 21% हो गया था, लेकिन COVID-19 के चलते हुए कोरोना की वजह से बढ़ोतरी को जून 2021 तक फ्रीज कर दिया गया था। दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि डीए जारी करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन एरियर भी देना होगा। महंगाई भत्ता सैलरी का हिस्सा है और महंगाई जो राहत है पेंशन का। सरकार जो 18 महीने का एरियर बकाया है दोस्तों, आपको जो डीए मिलेगा वो 32% तक बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, COVID-19 के चलते हुए आपका डीए रोक लिया था, लेकिन अब जो आपका डीए बढ़ेगा वो 32% की दर से बढ़ेगा। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि जून 2020 में डीए की जो रकम है 24%, और दिसंबर 2020 में 28, और जुलाई में जो आपकी होगी वो 21 से सीधा 32% की दर से बढ़नी होगी।
जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी दोस्तों। जो हमारे कर्मचारी है, 52 लाख कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है उसको लेकर सरकार ने ऐलान कर दिया गए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।